2017 से 2022 तक आज का बैंक ऑफ इंडिया में जिस तरह से करोड़ों रुपए के टेंडर्स जो है बगैर ही टेंडर किए हुए और बगैर कुछ बिड किए हुए लोकल तरीके से गैर कानूनी तरीके से दिए जा रहे थे, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। और जब मिनिस्ट्री का परमिशन नहीं होता है उसकी बात करोड़ों करोड़ों के इलीगल को 2 लाख से ज्यादा पेमेंट की अनुमति नहीं थी। 170 वर्क ऑर्डर निकाले कंपनियों में होता है, इलीगल हुआ, उसको पावर नहीं है। 1 करोड़ आरटीआई में ये इतना खर्चा करके उन्होंने 2017 से 2022 तक जहां हज कमेटी में करोड़ करोड़ के काम जो है बगैर टेंडर्स के निकाले जा रहे थे और अपने अपनों को दिए जा रहे थे, हमारे शिकायत पर इसके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू हुई और आज हज कमेटी में तमाम कानून की पासदारी हो रही है और जितना भी कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है वो चाहे 4 लाख रुपए का हो, 5 लाख रुपये का हो या 33 लाख रुपये का, उस पर टेंडर जारी किया जा रहा है ताकि इन कामों में ओपन बोली लगाई जा सके और कोई भी शख्स जो है वो काम लेने के लिए बिड कर सके, टेंडर भर सके। 2017 से 2022 तक ये जाब्ता छोड़ दिया गया था ताकि अपने मन मर्जी के और पसंद के ठेकेदारों को अपने हिसाब से टेंडर दिया, वर्क दिया जाए, लेकिन अब हमारी शिकायत पर यह असर हुआ है कि अब कोई भी काम बगैर टेंडर के नहीं हो रहा है और ओपन बिडिंग हो रही है। इस तरह से यहाँ किसी हद तक ट्रांसपेरेंसी का माहौल बना है।